हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी पे होने वाले फ्रॉड के बारे में। यानी कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे एक प्रॉपर्टी दो लोगों को सेल की जाती है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं या फिर अदर टाइप की प्रॉपर्टी यानी कि रेडी टू मूव, अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो फ्रॉड होते हैं वो होते हैं एग्रीकल्चर लैंड में, क्योंकि इसमें हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या होती है, मैं आपको आगे समझाता हूँ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड को खरीदने का प्रोसेस क्या होता है। तो जब आप कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं तो आप उसकी सबसे पहले प्राइस सेट करते हैं, उसके बाद में आपको एग्रीमेंट टू सेल होती है, फिर सेल डीड होती है। और यहीं पे हम गलती करते हैं, हमें लगता है जो सेल डीड हुई है ये जो है फाइनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो एग्रीकल्चर लैंड होते हैं उसके अंदर ये फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। उसके बाद में आपको म्यूटेशन करवानी होती है, जो बहुत जरूरी होता है, इसी से ही फ्रॉड होते हैं। म्यूटेशन जो होती है वो एक एक्चुअल डॉक्यूमेंट होता है जो सरकारी रिकॉर्ड में होता है, यानी कि उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर कौन है वो दिखाता है, जिसमें जो पुराने ओनर है उससे हटके आपका नाम इसमें दर्ज किया जाता है। तो ये जो होता है आपका म्यूटेशन होती है, और इसी में गड़बड़ी होती है कि हमें लगता है सेल डीड हो गई, ये हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट है और हम इसके ओनर हो गए, लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी का ओनर है सरकार की नजर में वो जो पुराना वाला था वही है, और वो उस प्रॉपर्टी को दो तीन लोगों को और सेल कर देता है और आपको लगता है कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर है क्योंकि आपके पास सेल डेट का डॉक्यूमेंट है, मगर ऐसा नहीं होता है। तो जो है आप म्यूटेशन का बहुत ध्यान रखें, इसी की वजह से फ्रॉड होता है, इसे आप जरूर करवाएं। और अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी की, जो होती है अदर टाइप की, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन हो गई या रेडी टू मूव हो गई। इसके अंदर जो है सेल डेट की जाती है, इसके अंदर का जो बाइंग प्रोसेस होता है वो भी सेम होता है, लेकिन इसमें जो सेल डेट होती है वो मेन डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन इसमें भी आपको म्यूटेशन करा लेनी चाहिए सेफ्टी के लिए, लेकिन इसमें जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो सेल डीड होती है आपकी। अब हम बात कर लेते हैं म्यूटेशन करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। पहला डॉक्यूमेंट होता है आपका सेल डीड, यानी कि आपको जो है सेल डीड की कॉपी सबमिट करनी होती है। उसके बाद में एक एप्लीकेशन लिखनी होती है जो आपको तहसील या फिर तलाटी के बाद देनी होती है, जो एप्लीकेशन होती है म्यूटेशन के बारे में। उसके बाद में तीसरा हमारा डॉक्यूमेंट होता है स्टैम्प ड्यूटी पेपर। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होता है आपको प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट जमा करवानी होती है, जो कि आपका पहले ओनर था उसके पास होंगी। उसके बाद में अगर आपको विल ट्रांसफर हो रही है यानी कि किसी की डेट हो गई है, उसके बाद में आपको ये प्रॉपर्टी मिल रही है, तो उसका डेट सर्टिफिकेट आपको लगता है और साथ ही साथ वो जो विल साइन हुई है उसकी एक कॉपी भी आपको सबमिट करवानी होती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको म्यूटेशन करते समय लगते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे एक प्रॉपर्टी दो तीन बार सेल की जाती है आपके म्यूटेशन ना करने की वजह से, सेल डेट को मेन डॉक्यूमेंट समझने की गलती की वजह से। तो अब आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।